गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पूनम शर्मा हेयर टू टीच हिंदी सेकेंड स्टैंडर्ड लेट अस स्टार्ट चैप्टर फिफ्थ हम क्या खाएं दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आर सिलेबस सो इन शॉर्ट आई विल टेल यू दिस स्टोरी सी इन दिस स्टोरी देयर आर फाइव कैरेक्टर्स शोभना सनी शोभना जो है वो सनी की माँ है यह है मधुरी माँ यह है मिनी मिनी की माँ मधुरिमा माँ है और ये है डॉक्टर एक दिन शोभना जो थी सन्नी की माँ बाजार गई बाजार से वो फल सब्जियां लेकर आई उनकी टोकरी को आते ही जब उसकी चेकिंग करते हुए सनी बोला माँ क्या आज फिर तुम ये सब कुछ लेके आई ये सब्जियां और फल ले आई तुम तुम्हें पता है कि मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आप मेरे लिए कोई चिप्स चाउमीन और बर्गर ऐसा कुछ नहीं लेके आई वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला इतने में वहां पर मधुरिमा आ गई जो कि मिनी की माँ थी उसने आके बोला शोभना जल्दी से मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना है मेरे साथ चलो मिनी के पेट में बहुत जोर से दर्द है शोभना ने बोला क्यों क्या हो गया मधुरिमा बोली मिनी ने बस वही बर्गर पिज्जा चिप्स यही खाती थी इसी कारण उसके पेट में दर्द तो होना ही था वो दोनों ही फटाफट मिनी को डॉक्टर के पास लेके गई सनी भी साथ में चला गया डॉक्टर साहब ने जब उसका चेकअप चेक किया उसको जांच की तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि अभी इसको सुई लगानी पड़ेगी मीन्स इसको इंजेक्शन लगवाना लगाना पड़ेगा ये सुनकर सनी भी दंग रह गया मिनी रोने लगी मुझे सुई नहीं लगानी लेकिन सुई तो लगानी पड़नी थी क्योंकि दर्द जो था वो बहुत ज्यादा था और बच्चों आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना अगर आपके मामा पापा आपके लिए फल सब्जियां लेके आते हैं आप भी इसी तरह मुंह बनाते हो सनी की तरह कि हमने ये नहीं खाना हमने भी चिप्स बर्गर और चाउमीन खाने हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते अब मिनी को सुई लगाई ये देखकर सनी भी दंग रह गया उसको भी दर्द हो रहा था अब सनी ने भी डॉक्टर ने उसको समझाया कि ये चीजें नहीं खाते इससे अच्छा आप फल सब्जियां खाया करो जिससे कि आप अच्छे से सेहतमंद से रहोगे ये सुनकर सन्नी भी हैरान रह गया और उसने भी ये कसम खाई अब वो ये चीजें बिल्कुल नहीं खाएगा वो भी फल और सब्जियां ही खाएगा तो इस कहानी में हमें जो संदेश मिला है जो शिक्षा मिली है जो मॉरल है इस कहानी का वो है अच्छी सेहत के लिए फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए ना कि नुकसान देने वाली बाहर की चीजें हमें खानी चाहिए सो चिप्स पिज्जा आदि चीज़ों के बदले मिनी को क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए अभी बर्गर खाएगी वो नहीं फल और सब्जी नेक्स्ट है अब सनी क्या करेगा क्या खाएगा अब सनी अब बाहर की बनी चीजें खाएगा नहीं कभी नहीं अब वो क्या खाएगा फल और सब्जियां ही खाएगा तो देखिए बच्चों हमें भी अपनी अच्छी सेहत के लिए अच्छी फल और सब्जियां खानी चाहिए जिस तरह आपको पता है अभी कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड कर रहा है हमारा हमारे ऊपर हमें अच्छे से अच्छी सब्जियां और जो विटामिन सी है ज़्यादा से ज़्यादा हमें नींबू पानी पीना चाहिए और अच्छे से अच्छे फल और हरी सब्जियां ज़्यादा उनका सेवन करना चाहिए और अपनी सेहत को अच्छा बनाना चाहिए हेल्दी बनाना चाहिए सो मुझे पूरी होप है कि आपको जो चैप्टर समझ आया होगा आप फिर से इसको ए, एक दो बार रीडिंग करना अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे शब्द इसके जो शब्द अर्थ हैं वो भी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना थैंक यू वेरी मच